सुस्वागतम नमस्कार सत श्री अकाल वणक्कम प्रणाम सलाम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। चलिए भाई आ गया हूँ आज का एक और वीडियो लेकर, दिन विशेष 14 फरवरी का। तो चलिए भाई दिन विशेष विद एनजीसी इस यूट्यूब चैनल में आपके साथ वीडियो के साथ आप सभी प्यारे बहनों और भाइयों का स्वागत है। मैं नारायण चिंचवड़े, आपको मेरा सस्नेह नमस्कार है। तो कीजिए स्वीकार मेरा सस्नेह नमस्कार और देख लीजिए दिन विशेष और सुविचार। और एक सुविचार नहीं भाई, दो दो सुविचार जो हमारे जीवन को सकारात्मकता लाते हैं, सही दिशा दिखाते हैं, प्रेरणादायक होते हैं। तो ऐसे बहुमूल्य सुविचार और भाई आपसे आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इस YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब किया है, कमेंट्स किया है, शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने लाइक किया है उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया तो भाई जल्द से जल्दी कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो चलिए भाई अब चलते हैं इस उम्मीद के साथ आज के दिन विशेष की ओर। और आज का दिन विशेष है 14 फरवरी का आज, तो जिसमें सबसे पहले आपके सामने सुविचार, दो सुविचार, प्यारे प्यारे सुविचार। पहला सुविचार ये है, प्रेम क्या है अगर समझो तो भावना है, इससे खेलो तो एक खेल है, अगर सांसों में हो तो श्वास है और दिल में हो तो विश्वास है, अगर निभाओ तो पूरी जिंदगी है और बना लो तो पूरा संसार है। फिर एक भाई आज का ही, फिर एक बार आज का बहुत ही बढ़िया सुविचार आज के दिन से, दिन के अनुसार ये सुविचार है, प्रेम क्या है अगर समझो तो भावना है, इससे खेलो तो खेल है, अगर सांसों में हो तो श्वास है और दिल में हो तो विश्वास है, अगर निभाओ तो पूरी जिंदगी है और बना लो तो पूरा संसार है। तो ये हुआ आज का पहला सुविचार। दूसरा सुविचार, किसी के स्पर्श का एहसास जब मन को भिगोने लगे तो समझ लीजिए कि मोहब्बत आपकी रूह तक बच चुकी है। फिर एक बार ये आज का बहुत ही बढ़िया सुविचार है, किसी के स्पर्श का एहसास जब मन को भिगोने लगे तो समझ लीजिए कि मोहब्बत आपकी रूह तक बच चुकी है। तो चलिए भाई आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आज के ये दो सुविचार, और इन सुविचार के साथ आज विश्व वैलेंटाइन डे है, तो सभी प्रेमियों को, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों को वैलेंटाइन डे की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आज का दिन आपको मंगलमय और शुभ रहे। यही शुभकामनाओं के साथ चलते हैं भाई आज के दिन विशेष की ओर, जो है 14 फरवरी के। तो सबसे पहले ऐतिहासिक घटनाएं देखते हैं भाई आज के 14 फरवरी के। सन 1876 में अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल और एलिशा ग्रे, इन्होंने एक ही दिन टेलीफोन के पेटेंट के लिए एप्लीकेशन किया था। सन 1881 में भारत में पहले होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना हुई और ये कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। 1899 में अंबिका ने चुनाव के लिए यंत्रों का उपयोग पहली बार किया। 1924 में संगणक तैयार करने वाली कंपनी जिसका नाम था IBM, इस IBM कंपनी की स्थापना हुई। 1945 में दूसरा महायुद्ध जारी था जिसमें रॉयल एयर फोर्स के हवाई जहाजों ने तूफानी बम वर्षाव करके जर्मन के रिस्बन शहर को बेचिराग कर दिया। 1945 में चिली, इक्वाडोर, पेराग्वे और पेरू,
तीन देशों का यूनाइटेड नेशन में प्रवेश हुआ। 1946 में पहला संगणक एनियाक यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया यहाँ पर प्रदर्शित हुआ। 1946 में बैंक ऑफ इंग्लैंड इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। 1963 में अनुक्रमांक 103 लॉरेंशियम नामक मूल द्रव्य पहली बार तैयार किया गया। 1989 में भोपाल दुर्घटना के कारण यूनियन कार्बाइड ने नुकसान भरपाई हेतु भारत को 47 करोड़ अमेरिकन डॉलर देने के लिए कबूल किया। 1989 में ईरान के आयतुल्ला खोमेनी इन्होंने ब्रिटिश लेखक जिनका नाम था सपमान रश्दी, लेखक सलमान माफ कीजिएगा सलमान रश्दी इनका खून करने का आदेश जारी किया। 2000 में अभिजीत कुंटे देश का चौथा और महाराष्ट्र का दूसरा ग्रैंड मास्टर बने। 2003 में नाटककार इनका नाम था महेश येलुंचवार इनको के बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया जाने वाला सरस्वती सम्मान पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। 1628 में मुगल सम्राट शाहजहां इन्होंने आगरा के गद्दी पर ये विराजमान हुए। 1923 में शिकागो अमेरिका में महिला मतदार लीग की स्थापना हुई। सन 2005 में यूट्यूब की स्थापना हुई। 2006 में सद्दाम हुसैन इनका न्यायाधीश के सामने इनके विरोध में न्यायाधीश के विरोध में उन्होंने उपोषण शुरू किया। 2019 में आतंकवादियों ने पुलवामा क्षेत्र में केंद्रीय बल के जवानों पर बम बरसाव किया गया, बम स्फोट किया गया, जिसमें 40 जवान शहीद हुए। तो ये हुए भाई आज के ऐतिहासिक घटनाएं। अब चलते हैं जन्मदिन की ओर, जो है आज के यानी 14 फरवरी के। पहला मुगल सम्राट बाबर, मुगल साम्राज्य के स्थापक, इनका जन्म 1483 में हुआ। कवयित्री संजीवनी मराठे, इनका जन्म 1916 में हुआ। केंद्रीय मंत्री मोहन धारिया 1925, अभिनेत्री मुमताज जहां बेगम दहलवी तथा इनका दूसरा नाम था मधुबाला 1933। कुट्टी कुंजू थंकाजी 1820 में इनका जन्म हुआ और ये कंपोजर थे, मलयाली लेखक थे। गायक जेसिका ड्रैगोनेट 1900 इनका जन्म हुआ। भाजपा नेता सुषमा स्वराज और ये केंद्रीय मंत्री भी थी 1952 में इनका जन्म हुआ। नीलकमल पुरी ये लेखिका हैं, इनका जन्म 1956 में हुआ। शास्त्रीय गायक कलाकार विजय कोपरकर 1962, पॉलिटिशियन अभय सिंह चौटाला 1963, अभिनेता अंकुश हाजरा 1989, पद्मभूषण निरंजनानंद सरस्वती 1960, अभिनेत्री दीक्षा सेठ
1990। तो ये हुए जन्मदिन। अब स्मृति दिन देखते हैं, लगे हाथ स्मृति दिन भी देख लीजिए। आगरा घराने के शास्त्रीय गायक कलाकार संगीत गुरु श्री कृष्ण नारायण रातनजनकर, 1974 में इनकी मृत्यु हुई भाई। इंग्लिश लेखक पी जी वुडहाउस, 1975। भारतीय जीवशास्त्रज्ञ जूलियन, माफ कीजिएगा, ब्रिटिश जीवशास्त्रज्ञ जूलियन हक्सले, 1975। मलयालम गायक कलाकार अब्दुल केडर, 1977। भारतीय प्रशासन अधिकारी वी टी कृष्णमाचारी, 1964। हिंदी साहित्यिक लेखक विद्यानिवास मिश्र, 2005। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्यामाचरण शुक्ल, 2007। तो ये हुए भाई आज के दिन विशेष, जो रहे 14 फरवरी के। इसी के साथ ही आज के दिन विशेष खत्म करते हैं। लेकिन भाई इसमें अगर कुछ गलतियां, सुझाव या आपके सूचनाएं हो तो ज़रूर मेरे पर्सनल चैट पर संपर्क करें। मेरा नंबर है 7058311389। और भाई दिन विशेष विद यूट्यूब चैनल, इसको अगर ये आपको चैनल पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा आज की वीडियो को, और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए भाई अब लेता हूँ विदा, कल मिलने का करता हूँ वादा। तो चलिए बहनों भाइयों, अलविदा, नमस्कार।